सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक से हुई या फिर ये बड़ी साजिश, इसी को लेकर उनके एक भाई विकास से हमने बातचीत की और उसी के साथ सोनाली के भाई वतन ढाका का क्या बयान आया वो भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि वो गोवा पहुंचे हैं और उसी के साथ वतन ढाका ने बहन के लिए इंसाफ की मांग की है, सुनिए। हम बहुत परेशान हैं, गोवा प्रशासन पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है और अपराधियों के साथ मिला हुआ है, लैपटॉप मोबाइल फ़ोन और हार्ड डिस्क DVR सभी चोरी कर लिया है। सोनाली फोगाट की मौत में अब उनके PA का नाम सामने आ रहा है। सुधीर सांगवान घटना के वक्त सोनाली के साथ गोवा में ही थे। परिवार के मुताबिक सुधीर को उन्होंने कई बार कॉल किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फोगाट के भाई वतन ढाका ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वतन ढाका सोनाली का शव लेने गोवा पहुंचे हैं, जहां उनका आरोप है कि गोवा पुलिस उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही। कल सुबह 9 बजे ही चला था और 8 बजे गोवा पहुँचा हूँ। कल रात के हम जहाँ अंजुना पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं और हमारी कोई कार्रवाई ना सुनवाई हो रही है। वतन ढाका ने कहा कि सोनाली की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, गोवा पुलिस मामले में गुमराह कर रही है। उनके मुताबिक अपराधी पुलिस थाने में बैठकर आराम कर रहा है। हमारी मदद की जाए, हम बहुत परेशान हैं और गोवा प्रशासन पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है और अपराधियों के साथ मिला हुआ है। हम यहाँ बारिश में बाहर भीग रहे हैं और अपराधी अंदर आराम से मजे से बैठे हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है, वो अपना फोन लिए बैठे हैं, सब फोन यूज कर रहे हैं। वतन ढाका ने आरोप लगाया कि उनकी बहन ने अपराधी हिसार स्थित उनके फार्म हाउस से उनका लैपटॉप मोबाइल फोन हार्ड ड्राइव DVR भी चोरी कर लिया गया है। यहाँ बैठे बैठे जो अपराधी है उन्होंने सोनाली फोगाट के फार्म हाउस दंडूर हिसार में वहाँ उनका लैपटॉप मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क DVR सभी चोरी कर लिया है और यहाँ अपराधियों के कहने पर सब कुछ मिटाया जा रहा है और इस बात को दबाया जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि न्याय दिलवा सकें हमारी बहन को। वतन ढाका के इन आरोपों के बाद सोनाली की मौत का सस्पेंस और गहरा हो गया है। मामले में PA की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।